हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करी थी वेक्टर इन वन टू थ्री डायमेंशन। मोशन की स्टेटस को हमने डिस्कस किया था, लीनियर मोशन, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्पेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सो बेसिकली रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को हम स्प्लिटिंग वेक्टर भी बोल देते हैं, क्योंकि बच्चों इसके अंदर जो एक वेक्टर होता है वो स्प्लिट हो जाता है कई वेक्टर के अंदर। कैसे एक वेक्टर कई वेक्टर के अंदर स्प्लिट होता है? एक्चुअली में इन वेक्टर एडिशन, जब हम किसी वेक्टर की, इन्हीं दो वेक्टर की एडिशन करते हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है बेटा वो स्प्लिटिंग होता है उनके रिजल्ट से। चलिए हम देखते हैं इसको थोड़ा डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। पूरी प्रॉपर डेरिवेशन है, ये एक मेरा एक्स एक्सिस है और एक मेरा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, और एक मेरा रिजल्ट रहा, मैग्नीट्यूड रहा ए वेक्टर। सो वी कैन से ए एक्स इज कंपोनेंट ऑफ एक्स एंड ए वाई इज कंपोनेंट ऑफ वाई। सो हमें रिजोल्यूशन वेक्टर निकालना है बच्चों। चलिए एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, ये मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, नेमिंग दे लेता हूं इसको। मैं मान लेता हूं ए बी एंड सी, ठीक है। चलिए बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइन थीटा निकालता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, बीसी बाय में ए बी। सो वी कैन से बीसी इज इक्वल टू ए वाई। हम बोल सकते हैं बच्चे बीसी किसके इक्वल है, ए वाई के। और ए बी क्या है मेरा, एक ए वेक्टर। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए वाई, ए वाई क्योंकि ये वर्टिकल है, और ए बी क्या है बच्चे, ए वेक्टर। तो हमें वैल्यू निकाल लूंगा बच्चे, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। चलिए इसी ट्रायंगल के अंदर मैं कोस थीटा को भी फाइंड आउट कर लेता हूं। कोस थीटा इन ट्रायंगल ए बी सी, कोस थीटा क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है मेरे पास ए सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी। सो यहां पर ही मैं कह सकता हूं बच्चों जो ए सी है विच इज इक्वल टू ए एक्स एंड हाइपोटेन्यूज ए बी इज इक्वल टू ए वेक्टर। सो मेरे पास रिजल्ट निकलेगा कोस थीटा इज इक्वल टू ए एक्स बाय में ए वेक्टर। सो मैं इसको लिख सकता हूं ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा। ये बच्चे मेरी इक्वेशन नंबर वन बन गई, ये बन गई इक्वेशन नंबर टू। तो हमने यहां पर इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, हम सभी को पता है ए इज इक्वल टू, अगर मैं किन्हीं दो जो वेक्टर इन टू डायमेंशनल के अंदर मैंने मैग्नीट्यूड निकाला था एक वेक्टर का, तो क्या निकला था बच्चे फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलिए बढ़ते हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। मैं क्या करता हूं, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। मैं इन दो इक्वेशन को स्क्वेयर और ऐड कर लेता हूं बोथ साइड। चलिए करते हैं,
ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड को कर लिया मैंने, राइट हैंड साइड को करते हैं, ए साइन थीटा स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर हम क्या देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जब यहां पर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए वेक्टर था बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो बच्चे यहां पर मेरी वैल्यू आ गई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। सो नाउ रिजल्ट, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, स्क्वायर का अंडर रूट यहां चला गया और हमने यहां पर प्रूव कर लिया रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन। हुआ यूं कि मतलब एक वेक्टर को स्प्लिट कर दिया मैंने किन्हीं दो वेक्टर ऑफ एडिशन में। बहुत ही इजी हमारा यहां पर ये टॉपिक है अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन, अक्सर पेपर में 2 मार्क्स का पूछ लेता है। सो बच्चे ध्यान से इसको नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक पर। ठीक है बच्चे, होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा। और एक बात और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूं, देखिए जो मेरी ये क्वेश्चन आई है, ये क्वेश्चन आई है, तो यहां पर बच्चे मेरी ए एक्स और ए वाई इज इक्वल टू ए वेक्टर है, ये मेरा रिजल्ट है बच्चों। इस रिजल्ट के थ्रू ही मैंने अपने पूरे क्वेश्चन को आगे ड्राइव करना है, न्यूमेरिकल्स को ड्राइव करना है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर 3D की बात करेंगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।